देखो हम दादी से मिलने जा रहे हैं, पता है ना? हाँ हाँ। और वहाँ जाके फिर रोना धोना मत स्टार्ट कर देना, दादी हमारे साथ चलो, दादी हमारे साथ चलो, ओके? फोन तो बदल लेता, सुनाई दे भी रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, और दादी के लिए गिफ्ट रेडी कर रहा है, इतने प्यार से मेरे लिए तो कभी नहीं किया। पापा ने आपको इतने सारे गिफ्ट दिए, उसका क्या करोगे? पर तू मुझे नहीं गिफ्ट देगा, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है ना। क्या कर रहे हो यार इतनी देर से, जल्दी करो ना यार। क्या बोल रहा है? अरे नहीं भाई, तुझे नहीं बोल रहा हूँ यार, वो स्वाति ना यार हर बार की तरह लेट ही करती है। हाँ, अरे हाँ, नेक्स्ट टाइम पक्का। ओके मेरे बच्चे। अरे आ रही हूँ। पहले तू फोन बदल ले। हाँ हाँ यार, बोलता कुछ, अरे सुनता कुछ है। हाँ यार मुझे पता है, कर दूंगा चेंज। फोन बदल लेता हाँ। तो कम से कम फोन पे मीटिंग कर पाते। स्वाति यार चलो जल्दी करो, तुम्हारे पापा हॉर्न बजा बजा के पूरे मोहल्ले को बता देंगे। चलो चलो जल्दी करो बेटा। हाँ हाँ। चलो 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 खड़े हो जाओ जल्दी से, वरना तुम्हारे पापा है ना पूरे मोहल्ले को बता देंगे कि हम दादी से मिलने जा रहे हैं। चलो चलो, चल फोन रखता हूँ यार, चल बाद में बात करता हूँ। अब आ गए फाइनली। कितना हॉर्न बजाओगे, कंप्लेन ही करते रहोगे। तो चले अब। हाँ हाँ अब चलो। डैड हम दादी से एक बार ही मिलने हर एक महीने में क्यों जाते हैं? नक्ष क्या जरूरत है ये सब बातें पूछने की? अरे बोलने दोनों से यार, हर बार की तरह क्यों टोकती हो उसे? क्योंकि हम हर महीने नहीं जा सकते, इतना सारा काम होता है, मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे घर का काम होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता हमें, समझ में आया? दादी नहीं आ सकती हमसे मिलने? नहीं नहीं आ सकती, तभी तो हम मिलने जा रहे हैं। अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा चुपचाप बैठो। रुको, दादी से मिल लेना। ये हम पहुंच गए। दादा आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते, थोड़ी देर के लिए तो नहीं, लगा नहीं, सकते हैं। बगल में पार्किंग है, आप उधर लगा लो। तुम गाड़ी पार्क करके आ जाओ, हम लोग जाते हैं। मैं पार्क करके आता हूँ। दादी मैं आ गया। अरे देखो आ गया, मेरा बेटा आ गया। देखो, मैं आपके लिए क्या लाया? अरे मेरा बेटा मेरे लिए क्या लाया? अरे वाह तूने बनाया। प्रणाम माँ। अरे बेटा खुश रहो। कैसे हो आप? सब ठीक है, तुम लोग? हम सब ठीक है। विमला बेब, हाँ? मैं निकलता हूँ। हाँ भैया कोई बात नहीं। अरे शंकर भैया, हाँ? मेरा बेटा आया है, तो आप चाय भिजवाना, बिल्कुल मेरी वाली। तुम्हारी वाली भेजूंगा। बेटा ये अपने हाथ से बनाया है? हाँ। मेरे लिए? ये मम्मी और मैं कहाँ हूँ? पापा और ये आप। ओहो मैं इतनी मोटी? कैसे बेटा आ गया तू? अरे कितना पतला हो गया है बेटा तू। अरे नहीं माँ, आपको ऐसा ही लगता है कि मैं पतला हो गया हूँ। देख कितनी अच्छी पेंटिंग मेरे पोते ने बनाई है अपने हाथ से। अरे वाह नक्ष, काफी अच्छे होते जा रहे हो। क्या हुआ? अरे नहीं ये क्या है? अरे है मेरे रख पास। लो रख लो। आप बैठिए, मैं माँ के साथ जाता हूँ। मैंने कब मना किया है? वापस आना। जी जरूर, ख्याल रखना अपना। हाँ।
तू भी अपना ख्याल रखना। हाँ। अच्छा सुन बेटा, देख मुझे याद आया, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। पिछली बार तू आया था ना, तो तेरा मोबाइल खराब था, तो उन पैसों से मैं तेरे लिए ले आई। तू रख, तुझे काम आएगा, रख ले। इसकी क्या जरूरत थी माँ? अरे रख, रखना। जाएंगे, वो गाड़ी लेने गए हैं, पार्किंग में लंबी लाइन होती है। इतना टाइम गाड़ी लाने में लगता है क्या? हाँ लगता है बेटा, पार्किंग में बहुत टाइम लगता है। कहाँ रह गए ये भी? जब मैं बड़ा होऊंगा ना, ये सारी जगह खरीद लूंगा। अरे वाह। और आराम से आप दोनों से यहाँ मिलने आऊंगा, जिससे पार्किंग का मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो।